Welcome, you're again in my class 8 based on mathematics. Chapter is 7, exponents. In previous video, we have discussed 4 laws of exponents. Now, in this video, we will discuss other laws of exponents. Suppose 3 upon 5. Minus 2. This is negative power. और इस negative को अगर positive में convert करना है तो इसको लिख सकते हैं हम 5 upon 3 plus 2. और example लेते हैं, suppose 1 upon 3 raised to the power minus 3. इज इक्वल टू, अगर नेगेटिव पावर को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है तो क्या लिख सकते हैं इसका, 3 upon 1 रेज टू द पावर 3. अगर किसी वैल्यू की पावर नेगेटिव है तो पॉजिटिव करने के लिए हम क्या करेंगे, जो बेस है उसका रेसिप्रोकल, इसको हम न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में कन्वर्ट करेंगे और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में कन्वर्ट करेंगे. और एग्जांपल लेते हैं, सपोज -4/7 होल पावर -8. नेगेटिव पावर है, पॉजिटिव में इसको लिख सकते हैं 7/-4 रेज टू द पावर पॉजिटिव 8. सो नेक्स्ट लॉ इज, अगर कोई a/b होल पावर -n इस फॉर्म में लिखा हुआ है तो उसको हम लिख सकते हैं b/a रेज टू द पावर पॉजिटिव n. नेगेटिव पावर को पॉजिटिव पावर में कन्वर्ट करना है तो उसके बेस का हम रेसिप्रोकल लेंगे. यहाँ a/b है तो उसमें b/a लिख सकते हैं उसको. नेक्स्ट 6th law is a/b whole power m or whole power n is equal to, एक ये property है. अब इस property को बाद में use करेंगे, पहले मैं आपको generally होता क्या है example की help से सिखाता हूं. सपोज 3/2 होल पावर 2 और इट्स पावर इज 3. अब कैसे करना है इसको, इज इक्वल टू 3/2 3/2 होल स्क्वायर. इस पूरी वैल्यू को एक सिंगल वैल्यू ट्रीट करेंगे, होल पावर कितना है 3, तो 3/2 होल पावर 2, 3/2 होल पावर 2, इसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई में लिखना है. और ये प्रॉपर्टी ऑलरेडी आप कर चुके हो, 3/2 बेस इक्वल है तो पावर्स ऐड कर सकते हैं. तो 2+2+2 इट मींस 3/2 रेज टू द पावर 6. इट मीन्स 2 3 6. अगर कोई इस फॉर्म में है पावर और उसके ऊपर फिर पावर, तो उन दोनों पावर्स को हम मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं. कोई और एग्जांपल लेते हैं, सपोज 1/2 या 1/3 रेज टू द पावर 3 और होल रेज टू द पावर 2. होल रेज टू द पावर 2, तो सबसे पहले हम इस वैल्यू को एक सिंगल वैल्यू ट्रीट करते हैं, ये वैल्यू. इसकी होल पावर कितना है 2, तो इस वैल्यू को 1/3 होल पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3 होल पावर 3 2 टाइम्स. होल पावर कितना है 2, तो इस पूरी वैल्यू को हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे. और अब बेस क्या है, इक्वल. इट मींस 1/3
रेज टू द पावर 3 + 3 इज इक्वल टू 1/3, 3 + 3 = 6। तो यहां भी वही प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी, 3 × 2 = 6। अगर कोई इस टाइप से आता है कि पावर और उसकी होल पावर है, तो उन दोनों पावर्स को हम मल्टीप्लाई करके एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज 4/7 power 2 और होल पावर सपोज 4। इट मींस इसका मीनिंग क्या है, होल पावर कितना है 4। तो इस पूरी वैल्यू को हम एक सिंगल वैल्यू लेकर चलते हैं, सपोज एक सिंगल वैल्यू और इसकी होल पावर कितना है 4। तो 4/7 whole square दिस इज ए सिंगल वैल्यू और होल पावर कितना है 4। तो इसको 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स 4/7 square, 4/7 square होल पावर 4। तो होल पावर 4, तो इसको 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। इट मींस ऑल फ्रैक्शंस हैव द सेम बेस, अगर बेस इक्वल है तो पावर्स ऐड करेंगे, 2 + 2 + 2, इट मींस 2 + 2 + 2 + 2, इट मींस 4/7 whole power 2 + 2 + 2 + 2 = 8। इट मींस 2 × 4 = 8, 2 × 3 = 6, 3 × 2 = 6, 2 × 4 = 8। सो लॉ इज a/b raised to the power m multiply n। Now next law is a/b multiply c/d whole power m। Suppose these are two fractions, these are two fractions, ये कोई फ्रैक्शन भी हो सकती है और कोई इंटीजर भी हो सकता है। दिस इज एप्लीकेबल फॉर बोथ, फ्रैक्शन के लिए भी एप्लीकेबल है और ये इंटीजर्स के लिए भी। तो इसको हम लिख सकते हैं a/b whole power m multiply c/d raised to the power m। और अगर a मल्टीप्लाई b होल पावर m आता है तब भी हम इसी टाइप से करेंगे कि a रेज टू द पावर m और b रेज टू द पावर m। a और b ये दो वैल्यू मल्टीप्लाई में है, तो ये पावर a के साथ भी आएगी और b के साथ भी आएगी। फॉर एग्जाम्पल 3/4 multiply 2/5 raised to the power m, sorry suppose 3, तो a/b के प्लेस पर 3/4 और c/d के प्लेस पर 2/5। 3/4 की पावर में 3 आ जाएगा और 2/5 raised to the power 3। फिर इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, कोई और एग्जांपल लेकर चलते हैं। एग्जांपल्स 2/3 multiply 5/7 whole power 4। अगर ये दो वैल्यू है मल्टीप्लाई में और उसकी होल पावर दिया है, तो हम इस 2/3 की पावर में भी 4 आएगा और 5/7 की पावर में भी 4 आ जाए। ये तो एग्जांपल्स थे हमारे फ्रैक्शन के लिए। अगर कोई फ्रैक्शन में वैल्यू नहीं है, सपोज 2 multiply 5 whole power 4, ये वैल्यू आ जाती है, तो इसको भी हम क्या करेंगे, 2/4 multiply 5/4। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट प्रॉपर्टी
सपोज 3 पावर 0 इज इक्वल टू 1, 4 पावर 0 1, 100 पावर 0 1, 3/5 4 पावर 0 1, 7/3 4 पावर 0 इज इक्वल टू 1। इट मीन्स लॉ क्या बन गया, अगर कोई भी वैल्यू है उसकी पावर में 0 आता है दैट इज 1। इट मीन्स a/b रेज टू द पावर 0 इक्वल टू 1, और a रेज टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1, बोथ एट द सेम मीनिंग। अगर कोई इंटीजर है उसकी पावर में 0 है तब भी 1 हो जाएगा, कोई फ्रैक्शन में है उसकी पावर 0 तब भी 1 हो जाएगा। दीज आर ऑल बेसिक्स। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस सम एग्जांपल्स बेस्ड ऑन लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स एंड एक्सरसाइज।